नाथ जी गुरु जी को अलख आदेश, माँ भगवती को अलख आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलख आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। शरीर यंत्र, धारण यंत्र, आसन यंत्र, मंडल यंत्र, पूजा यंत्र। अब आप पूछोगे कि ये क्या होता है। तंत्र में यंत्र होता है, ये तो मैंने सैकड़ों बार बताया, लेकिन यंत्र जो होता है वो कई प्रकार का होता है। पिछले एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कुछ तंत्र ऐसे होते हैं जिसमें मंत्र आपका मनोभाव होता है और उस यंत्र के निर्माण मात्र से तंत्र चलने लगता है। उसी प्रकार कुछ तंत्र ऐसे होते हैं जिनके यंत्र को विभिन्न विभिन्न प्रकार से प्रयोग करने से वो तंत्र चलता है। जैसे मैंने बोला शरीर यंत्र, शरीर यंत्र क्या होता है, जो शरीर के अंदर जो 6 चक्र होते हैं, 7वां चक्र सर के ऊपर होता है, इससे पहले कि आप कमेंट करें मैं बता दे रहा हूँ, शरीर के अंदर जो 6 चक्र है उनका एक एक यंत्र है, तो उन यंत्रों को धारण करने से वो चक्र जागृत होते हैं। वैसे ही धारण यंत्र होता है कि कुछ चीज़, जैसे कि आपको अगर बहुत डर लगता है, किसी चीज़ में आपको कामयाबी चाहिए, तो उसके लिए विशेष यंत्र बनते हैं, उन यंत्रों का पूजा होता है और फिर उसको धारण करने से उसकी शक्ति आप में आती है और आपका कार्य सिद्ध होता है। आसन यंत्र होते हैं जिनको आसन, जिसको आसन के नीचे लिख के रख दिया जाता है। मंडल यंत्र होते हैं, बड़ा संयंत्र बनाया जाता है, उसके बीच में आप बैठते हैं और उसके बाद साधना करते हैं, वो मंडल हुआ, मंडला जिसको कहते हैं। फिर पूजा यंत्र होता है जिसको आप बना करके और फिर उसके ऊपर पूजा करते हैं। तो आज जो मैं आपको यंत्र बता रहा हूँ, इस यंत्र का 2 काम है। एक तो अगर आप नौकरी खोज रहे हैं और आपको नौकरी नहीं मिल रही है तो आपको ये यंत्र नौकरी दिलाएगी। दूसरा, इस यंत्र का एक और लाभ है। क्या लाभ है इस यंत्र का? लाभ है कि अगर आपका व्यापार बहुत ही धीमा चल रहा हो तो ये आपको व्यापार में वृद्धि देता है। इस यंत्र के साथ एक मंत्र भी है जो माँ भगवती देवी काली का है। गृहस्थों के लिए 2 ही यंत्र महत्वपूर्ण है, एक तो जो पूजा करने वाला यंत्र, पूजा यंत्र, और दूसरा वो यंत्र जो कि धारण किया जा सकता हो, जो आप यंत्र बना के अपने शरीर पर धारण करते हो, वो यंत्र गृहस्थों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है। धारण यंत्र ऐसे भी साधकों को, उन लोगों को देना चाहिए कि जो कि जरूरतमंद है। इन सब यंत्रों के अलावा फिर एक दर्शन यंत्र आता है कि जिसको देखकर ही आपको लाभ हो। जैसे कि वेद में बताया गया है कि आप अगर मंदिर चले जाए और उसके शिखर को देख ले तो आपको लाभ होगा, वैसे ही कुछ ऐसे यंत्र होते हैं जिसको देखने मात्र से साधक को लाभ होता है। कुछ ऐसे यंत्र होते हैं जो कि, जैसे आप अगर कानिफनाथ जी की मणि पे जाओगे जहाँ पे साधना स्थली है उनकी, तो उस गुफा में आप घुसोगे तो ऊपर यंत्र बना हुआ है सर के ऊपर, वो 36 यंत्र होता है, तो साधक उसके नीचे बैठ करके साधना करते हैं। तो यंत्रों का क्या है कि यंत्र बहुत तोल मोल करके यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। जैसे हवन के समय जो आप एक यंत्र बनाते हैं वो तो किसी विशेष दिन किसी विशेष प्रयोजन से आप हवन कर रहे हैं तो आपने यंत्र बना लिया, लेकिन जो यंत्र पूजा या फिर जो भी मैंने 5-7 तरह का अभी यंत्र आपको बताया, वो जब बनाना है तो उसमें समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। आपको होरा देखना चाहिए कि किस होरा में आप उसको कर रहे हैं, ठीक है। हर समय हर होरा का यंत्र नहीं बन सकता है। जब बृहस्पति का होरा चले तभी ऐसा होता है कि जितना भी पॉजिटिव तरह का यंत्र होता है, चाहे प्यार मोहब्बत का हो या हमजाद साधना हो या फिर कोई बीमारी को ठीक करना हो, तो सिर्फ एक बृहस्पति ऐसा ग्रह है कि उसके होरा में सब चल सकते हैं। उसी तरीके से अलग अलग जो होता है, जो ग्रह नक्षत्र होता है उसमें अलग अलग तरीके का यंत्र बनता है। उसी तरीके से डायरेक्शन होना चाहिए, यंत्र कभी भी किसी भी डायरेक्शन में नहीं बना सकते हैं। तो मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि आज जब मैं आपको यंत्र बता रहा हूँ तो मैं आपको ये बता दूँ कि यंत्र में 2-3 चीज़ों को ध्यान रखना होता है। एक, किस नक्षत्र में आप यंत्र बना रहे हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि दिन कौन सा है, और आपको ये पता होना चाहिए कि दिशा कौन सा है
और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि किस चीज पे यंत्र बन रहा है और क्या कौन सा इंक यूज हो रहा है। इंक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जैसे बहुत सारे मैक्सिमम में हम लोग अश्वगंध का प्रयोग करते हैं, ठीक है, बहुत सारे में हम लोग कैम्फर का प्रयोग करते हैं, बहुत सारे में हम लोग कस्तूरी का प्रयोग करते हैं। अश्वगंध क्या होता है, उसमें 8 तरह की चीज़ रहता है, अगर रहता है, तगर रहता है, कस्तूरी रहता है, गोरोचन रहता है, चंदन रहता है, लाल चंदन रहता है, केसर, सिंदूर, ऐसी ऐसी चीज़ों को मिला के अष्टगंध बनाते हैं। ये 8 चीज़ें इसलिए बताई क्योंकि आज वाला जो यंत्र है उसमें अष्टगंध का प्रयोग होगा। तो इस यंत्र को कैसे बनाना है, पूष नक्षत्र होना चाहिए, रविवार का दिन, एक भोजपत्र लेंगे और गोरोचन लेंगे, गोरोचन में थोड़ा और केसर मिलाएंगे और थोड़ा और कपूर मिलाएंगे और इन सब को जो मिश्रित करेंगे वो गंगा जल से करेंगे, ठीक है। यंत्र अभी आपके स्क्रीन पर आ रहा है, इस यंत्र को चमेली के डंठल से कलम बनाएंगे और उससे लिखेंगे, ठीक है। इसको लिखने के बाद इसको चांदी या सोने के ताबीज में आपको अपने राइट हाथ में पहनना है, ठीक है। उसके बाद रोज सुबह उठ करके, जैसे आपने इसको रविवार को बनाया और उसके बाद इसको धारण कर लिया, उसके बाद रोज सुबह उठेंगे और 19 बार, जो अब मैं मंत्र बोलने जा रहा हूँ, उसको पूरब यानी ईस्ट की तरफ देख करके आप इसको 19 बार रोज पढ़ेंगे, ठीक है। मंत्र क्या है, मंत्र है ओम नमः काली कं काली महाकाली मुख सुंदर जिए बयाली, चार वीर भैरो 84 वीर तो पूजूं, माँ में मिठाई अब बोलो काली की दुहाई। फिर से सुनिए मंत्र, ओम नमः काली कं काली महाकाली मुख सुंदर जिए बयाली, चार वीर भैरो 84 वीर तो पूजू माम ए मिठाई अब बोलो काली की दुहाई। एक बार और सुनिए, ओम नमः काली कं काली महाकाली मुख सुंदर जिए बयाली, चार वीर भैरव 84 वीर तो पूजू माम ए मिठाई अब बोलो काली की दुहाई। इसको आप यंत्र धारण करने के बाद 19 बार रोज सुबह ईस्ट की तरफ देख के पढ़ेंगे। आज तक ये तंत्र किसी के लिए खाली नहीं गया है, इस यंत्र और तंत्र के मिश्रण से आज तक जिसने भी साधना की है उनका 45 दिन के अंदर, चाहे तो व्यापार बड़ा है या फिर अगर वो नौकरी खोज रहे हैं तो उनको नौकरी में सफलता मिली है। तो आप लोग भी इस साधना को करें। कुछ लोगों का जन्म पत्री के कारण, कुछ लोगों के का कर्म के कारण, कुछ लोगों का जैसे लोगों के संगत में वो रहते हैं उसके कारण नौकरी का योग जो होता है वो खत्म हो जाता है। ऐसे जितने भी लोग हैं जो कि बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, सब कुछ ठीक ठीक चल रहा है फिर भी नौकरी नहीं मिल रही हो, वैसे लोग इस साधना को करें माँ काली और भैरव बाबा पे भरोसा रखते हुए, तो उनको नौकरी निश्चित तौर पर मिलेगा। इसके बाद मैं और भी एक यंत्र बताऊंगा व्यापार वृद्धि के लिए, उसका भी पूरा आपको वर्णन बताऊंगा, उसमें भी यही मंत्र काम करता है, लेकिन वो मूलतः और बिल्कुल व्यापार के को बढ़ावा देने के लिए है। आज के लिए इतना ही। माँ काली आप लोगों को व्यापार और रोजगार में उन्नति दे, ऐसी मेरी कामना है। जिनको साधना का बेसिक सिद्धांत जानना है, मंत्र जानना है, बंधन जानना है, वो मेरे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, नंबर है 9431188585। इसके अलावा जिनको मेरे मुझसे अपॉइंटमेंट लेना है, जिनको विस्तार पूर्वक बात करना है, वो मेरे वेबसाइट www.aghortantrahasya.xyz पर लॉग इन करिए, उसमें अपॉइंटमेंट सेक्शन है। डायरेक्ट बात करने के लिए इंडिया, US और कनाडा के जो लोग हैं वो कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड करें, उसमें रुद्रनाथ सर्च करें, rudranath@cm4, आप वहाँ से डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हैं। आप सभी को आज के लिए आदेश आदेश अलग आदेश।